हेलो 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 फ्रेंड्स, कैम छो, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। दोस्तों, आज है ना मेरा एक भाई आने वाला है। कल तो कोई भाई नहीं था मेरा, तो मैं किसी को राखी नहीं बांध पाई, लेकिन एक भाई मेरा आ रहा है सूरत से। वो एडजस्ट नहीं हो पाया था तो कल लेट पहुँचा था बचाओ, तो अभी लेट हो जाता इसलिए मैंने ही बोला था फिर उसी दिन मत आना, आ जाएगा वो। तो अच्छा है, चलो। मेरे है ना टोटल 8 भाई हैं, मतलब मेरे पापा सब लोग 5 भाई हैं, उनके 8 बेटे हैं और हम 4 बहनें हैं। 3 बहन तो हम ही हैं और एक मेरे चाचा की बेटी है। तो हम बहनें सिर्फ 4 हैं, लेकिन भाई हमारे 8 हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम लोग चचेरे भाई बहन हैं, मतलब काका ही बोलते हैं गुजराती में। सब सगे भाई बहन की तरह ही रहते हैं, लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना, इसलिए मज़ा नहीं आता है। एक जगह पर सब इकट्ठा पूरा परिवार होता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। मेरे बड़े पापा और एक चाचा नागपुर है, तो एक मेरे चाचा जो है वो आए हुए हैं अभी अहमदाबाद। मेरे छोटे चाचा बीमार है ना, तो मेरे पापा और मम्मी वापस आ गए हैं वहाँ से, और मेरे एक चाचा और चाची आए हुए हैं, धीरू चाचा और हेमांती आए हुए हैं। वैसे तो हमारा सारा परिवार अलग अलग जगहों पर है, पूरा बिखरा हुआ है, लेकिन यही तो होता है ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तभी सब लोग आ जाए, एक दूसरे की हेल्प करें, तो वो भी अच्छा रहता है। तो छोटे चाचा अभी बीमार हुए तो सब लोग पहुंच गए और पता ही नहीं चला, सब अच्छे से ट्रीटमेंट अभी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रिकवरी है। हम लोग सब बहुत खुश हैं, क्योंकि ऐसे केस में ना इतनी जल्दी रिकवरी मिलना नहीं बनता है जल्दी, क्योंकि बाकी जो पेशेंट के एक्सपीरियंस हैं हमने सबको देखा, इस हिसाब से है ना बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी रिकवरी काका को मिल गई है। मेरे जो छोटे चाचा हैं ना, वो तो एकदम अनकॉन्शियस, जैसे मतलब कोमा में नहीं गए थे, बेहोश नहीं हुए थे, लेकिन उसी तरीके की पूरी हालत हो गई थी। लेकिन अभी वो सबको पहचान रहे हैं, बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे सब अच्छा हो गया है, और आईसीयू में से उसे नॉर्मल वार्ड में बाहर भी शिफ्ट कर दिया गया है। चेतन कुछ काम से बाहर गए थे तो आ रहे हैं, वहाँ पर दिख रहे हैं। और वो मम्मी है, हमारे यहाँ तो गांव में तो कचरा लेने नहीं आते हैं ना नगर पालिका की पंचायत में से कुछ, तो फिर कचरा को हमें खुद ही निपटाना पड़ता है, मतलब कुछ करना पड़ता है। ये इनकी प्यारी हाइनेस और वो वहाँ पर मम्मी है, वो कचरा डालने के लिए गई है, पर ऐसे ही नहीं फेंक सकते ना। और शहरों की तरह हमारे यहाँ गांव में नहीं आते हैं ना, पंचायत से या फिर नगर पालिका तो होती नहीं है, पंचायत में से कचरा लेने नहीं आते, तो फिर कचरे का निकाल खुद ही करना पड़ता है। और फिर ऐसे ही फेंकेंगे तो पूरे में कूड़ा फैल जाएगा, गंदा हो जाएगा पूरा एरिया, तो फिर क्या करें। अभी हम लोग उसे जला देते हैं कचरे को, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हो गया आपका काम? परफेक्ट। वो स्टूडियो वाले भैया थे, वो आ गए थे, तो फिर अभी जो फोटो कॉपी बड़ी सी मुझे भगवान की बनवानी थी उसका ऑर्डर देने के लिए ये गए थे। एक गिलहरी का छोटा बच्चा आ गया है, कल रात को ही आ गया था, हमें नहीं पता था कि अभी भी वो सोफे के नीचे है। ये ढूंढ रहा है, पूरी रात घूमा है सोफे के पीछे पीछे। अभी सोनू को अंदर बंद कर देंगे रूम में, इसे पता चल गया ये मुझे पकड़ने वाले, भाग रहा है। यहाँ सोना आ जा, सोना हरे। ये रहा बच्चा यहाँ पर है। क्या? अरे अंदर ना जा रहा ना, ना एना नीचे जे। वो आ गया वापस, सोनू आ गया। हाँ नीचे घुसी गई मुझे, यहाँ हटे सोफो त्या हटी जा रू, ये यहाँ टेबल पर घुस गया है ऊपर, ये उतरे नीचे घरी की सोफा नीचे। हाँ सोफा नीचे जे, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। अब भाज भाई सोफा ऊपर चढ़ी गयी, चेतन को ये पूरा भगा रहा है, पाछू नीचे घुस गए दरवाजा में। अगर
अभी देखिए पकड़ा गया, पर बहुत दौड़ा है, बहुत ऐसे ही नहीं पकड़ा है। अभी से वापस पेड़ के ऊपर छोड़ के आएंगे। पेड़ के ऊपर तो पकड़ लेता है, पेड़ पे नहीं छोड़ना। तो क्या छोड़ सो पाछा करे घर से जाओ। ये ना वापस आ जाते, कल भी दो बार तो इसे छोड़ कर आए थे। इसे डर लग रहा है। आया सुनो, अभी अभी वापस आया, नीचे भाग गया था चेतन ने डांटा तो। अभी गिलहरी को पकड़ के इस बॉक्स में रखा है, अभी इसे कहीं दूर छोड़ कर आएंगे। खोलूंगी तो ये भी भाग जाता है। सोनू आ गया है वापस सोफे के पास, फिर से चेक कर रहा है। उसे पता नहीं है इस बॉक्स के अंदर है अभी बच्चा। चलो अभी छोटू को उसके मम्मी पापा की भाई बहन क्या है पता नहीं उसके पास छोड़ने जा रहे हैं। चेतन तो पहले सोच रहे थे कहीं दूर छोड़ के आए, क्योंकि यहाँ से वापस आ जाता है फिर सोनू पकड़ लेता है। चलो छोटू भाग जाओ। आ एसी ना ओला बॉक्स में है ना माड़ो लगभग कर दियो। ये अभी बैठ गया है पेड़ के ऊपर। चल भाग, नहीं तो आओ से सोनो पाछो। जा ही नहीं रहा है दी। सो गाइस आज है ना मेरा भाई आ गया है, तो अभी मैं बांधने वाली हूँ राखी। तो राखी के लिए मैं थाली लेकर आई हूँ, तो सोनू को पता नहीं क्या चाहिए। देखो ये भी ढूंढ रहा है कुछ। छोड़ा दूध पियो छो सो जो। ये तने राखड़ी बांधनी, राखड़ी बांधवानी है सोना। उन्हें बांधी नहीं थी इच्छा रहने की, सोनू को किसी ने नहीं बांधा। हर बार ये मेरा भाई सूरत से आया है, मेरे एक चाचा सूरत है तो ये वहां से आया है। कल वो आ गया था लेकिन वो बचाव रुका था, जुली आई थी राखी बांधने के लिए बचाव ही, तो फिर लेट हो गया था। तो फिर बोला कि चलो आज ही आना, फिर रात को लेट हो जाता उससे अच्छा है ना कि आज भी रक्षाबंधन ही है हमारे। तो ये देखिए चेतन फ्लैग लेकर आए हैं, इससे पहले लेने गए थे जब तब मिला ही नहीं, अभी किसी और काम से गए थे तो मिल गया, और बड़ा सा मिल गया है, अच्छा सा है। अभी तो शाम हो गई है, कल लगा देंगे इसे, है ना। सोनू को देखो मस्त कैसे सो रहा है, किसी चीज की कुछ नहीं पड़ा। जो तो चश्मा डब्बा भी दीदा छे, सोना है, मोबाइल, पेन, सोना सो करी हुए थे बधु अना ऊपर सुवानो है। सोना कितना मस्त से सो रहा है, उसे कुछ नहीं है। सो गाइस बेबी का झूला आ चुका है, वो हमारे पुराने घर पर पड़ा था तो वहीं से लेकर आए हैं। मानवीर अभी देख रहा है ना मानवीर। ये फोर्डेबल है, मानवीर का था, इसके बाद प्रांत से भी इसी में झूली है, और अभी नया बेबी भी इसी में झूलेगा। सो कभी भी फिर हॉस्पिटल जाने का होगा तो फिर दौड़ा दौड़ी नहीं होगी, इसीलिए इसके पापा लेकर आए हैं। ये क्या कर रहा है मानवीर, हो गया सेट? गाइस ये टेबल को है ना पहले वहां पर थी, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पर रख दिया था, तो अभी यहाँ पर ये बांध दिया है ना तो पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो वापस से इसे यहाँ से उठाकर वहां पर रखना है। तो अभी चेतन सर की हेल्प लेंगे हम, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है।
तो उसे बोलती हूँ मैं कर दे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बन जाए ना, तो ये एकदम बीच में लग रहा है देखिए, और ये सारा सामान भी इसके ऊपर रख दिया तो एकदम गंदा भी लग रहा है, तो इसे साफ कर देना है अभी। सो गाइस देखिए यहाँ का गेटअप चेंज हो गया है, टेबल वहाँ पर चला गया और ये चेयर सब यहाँ पर रख दिए, ये छोटा टेबल यहाँ बीच में और ये देखिए एकदम ढाबे वाला खाटला भी और अभी पेशेंट आए थे तो ये मेडिसिन का पेड भी यहाँ पर आ गया है, वैसे तो यहीं पर रखना चाहिए, पूरा दिन कोई ना कोई तो आता ही रहता है। चलो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, ये खाने के लिए तैयारी चल रही है, खिचड़ी बना दी है मम्मी ने और मैं अभी बना रही हूँ रोटली, आटा गूंद लिया है, बस रोटली बनाने के बाद रेडी करूँगी खाना और फिर हम पहले खाना खा लेंगे। सो गाइस किचन का काम हो चुका है कंप्लीट और मैंने वॉकिंग भी कर ली है और अभी मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, मोबाइल भी देखा और एक राज की बात बताऊँ, आज सुबह में तो मुझे लग रहा था कि जैसे आज मेरी डिलीवरी हो ही जाएगी, बेबी आ ही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम गया वैसे वैसे मुझे ठीक होता गया, तो फिर तक मैं ठीक हो गई और मैंने है ना अभी चेतन को बता दिया है, इसलिए आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था ना, कल खमन आया था ना, तो मुझे चेतन ने मना बोला था वो खाने के लिए, लेकिन मैंने सबके साथ तो नहीं खाया, पर जब मैं बच्चों को खाना दे रही थी ना तो मैंने एक पीस खा लिया था, तो शायद उसी से मुझे गैस या हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सुबह सुबह पेट में मुझे, लेकिन बाद में मैं ठीक हो गई, तो मुझे लगा कि अच्छा है कि आज बीबी आ जाएगा। अभी नौवां महीना स्टार्ट हो गया है, ऊपर का आधा महीना हो गया है मुझे, तो बहुत ज़्यादा अब ट्रबल भी हो रही है, तो जल्दी बेबी आ जाएगा तो अच्छा है। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि बेबी कब आएगा, तो मुझे भी नहीं पता है वो कब आएगा, जल्दी आ जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा अब। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, अभी मैं इस वीडियो का कर रही हूँ एंड, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और खुश रहना, अच्छी अच्छी कमेंट करना, हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।